मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 30 चैन बुनी है और देखिए, और मेरा क्रोशिया नंबर भी 10 है। अब देखिए, अब हम इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे, 1 2 3 4, एक बल लेंगे और यहाँ बुनेंगे 1 2 3, और ये एक मिला के 4 हो गए। फिर देखिए 1 और 2, दो चैन का गैप रखेंगे बीच में, 1 2 चैन का गैप रखेंगे और नीचे यहाँ थर्ड वाली चैन में डबल क्रोशे से बुनेंगे 1 2 3 4, फिर देखिए 1 और 2, दो चैन का गैप, 1 2 स्किप करिए, थर्ड वाली चैन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है, फिर इसके बराबर वाली चैन में भी डबल क्रोशे से बुनना है 3 4, हमने 4 बुनने हैं इस तरह। फिर देखिए 1 और 2, तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं फर्स्ट रो कंप्लीट करके सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मेरी फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट हो गई है। देखिए मैंने डबल क्रोशे से 2 2 चैन के गैप में बुन लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 बनाए हैं मैंने। और अब देखिए यहाँ से हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे इस तरह। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले सकती हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह, और ये देखिए 1 2 3 4, 4 चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे और एक बल लेंगे, और देखिए ये जो जाली है हमारी इसके अंदर देखिए 1 2 3, हमने 3 बार का बुनना है इसमें। अब देखिए बीच में 2 2 चैन का गैप रखेंगे, फिर बल लेंगे, फिर इसमें बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3, यानी हमने इसमें ट्रिपल क्रोशे से बुनना है, फिर 1 और 2, फिर देखिए इस जाली में भी इसी तरह बुनेंगे 1 2 3, फिर 1 और 2 का चैन का गैप, फिर इसी में बुनेंगे 1 2 3, फिर देखिए 1 और 2 चैन का गैप, इसमें बुनेंगे 1 2 3, 1 और 2 चैन का गैप, 1 2 1 2, और ट्रिपल क्रोशे से बनेंगे 1 2 3, देखिए 1 और 2, 2 के बाद देखिए यहाँ 3 इस तरह से। देखिए हमारी देखिए सेकंड रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह से देखिए मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए थर्ड रो बुनेंगे। थर्ड रो देखिए इस तरह बुनेंगे, आपने ये लेना है व्हाइट से, इस तरह, फिर 1 2 3 4, 4 चैन बुनेंगे। और ये देखिए जो जाली है ना, देखिए ये ग्रीन वाली भी जाली दिख रही है आपको, ये जाली और ये देखिए ये व्हाइट जाली, इन दोनों को साथ में रखेंगे इस तरह, और इसके बीच में यहाँ बुनेंगे। अब हमने डबल क्रोशे से इसके बीच में बुनना है 4 टाइम। देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 2 चैन, फिर से देखिए ये देखिए एक बल लीजिए, और ये देखिए यहाँ एक ये वाली जाली है मेरी, ये देखिए ग्रीन वाली, और ये देखिए एक ये, तो अब हम इन दोनों को साथ में करके इन दोनों के अंदर से बुनेंगे यहाँ 4 टाइम बुनेंगे 1 2 3 4, फिर 1 और 2,
फिर इसके अंदर दो तीन चार, एक और दो, चार, फिर एक और दो, एक बल लेंगे और ये देखिए यहाँ इस तरह से, इस तरह से देखिए थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें फोर रो बुनेंगे। देखिए फोर रो हमने ग्रीन से बुननी है, तो एक दो तीन, और इसके बाद देखिए जो जाली है इसमें आपने एक दो तीन, फिर एक और दो, दो चैन का गैप, फिर से इसी जाली में बुनेंगे एक दो तीन इस तरह, फिर देखिए एक और दो चैन का गैप, एक बल लेंगे और ये जो है देखिए इस तरह से दिखा रही मैं आपको, देखिए ये जो है जाली, ये वाली ग्रीन वाली, इसके अंदर से बुनना है देखिए किस तरह। ये देखिए एक दो तीन, तो तीन बार बुनेंगे जाली से, थोड़ा बड़ा फंदा बनाना है इसलिए एक दो सेकंड, मतलब ये रेल जो है ये बनानी हमने बड़ी, तो इसलिए हमने तीन बार बुनना है। दो चैन का गैप डालेंगे, फिर एक बल लेंगे, फिर इसी में हमने देखिए एक दो तीन, फिर इसके बाद एक और दो, दो चैन का गैप, फिर इसमें बुनेंगे एक दो, एक और दो चैन का गैप, और अब इसमें एक और दो, इस तरह से देखिए फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से देखिए मैंने इस रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने व्हाइट से बुनना है, ये जो हमने क्रीम कलर का ऊन लगाया है इससे बुनेंगे अब हम। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, एक दो, इस तरह था, तो देखिए पहले हम इन दोनों को यहां से जॉइंट कर लेंगे, इस तरह, फिर देखिए एक दो तीन, तीन के बाद देखेंगे अब हमने क्या करना है। ये देखिए जो हमारी ये जो जाली है, ये देखिए दोनों एक साथ हैं, ये दोनों जालियों को मिला करके हमने इसके अंदर फोर टाइम बनना है, एक दो तीन चार, फिर एक दो, इसके बाद देखिए ये जो जाली है, ये देखिए ये मेरी ये जाली और ये जाली, इन दोनों को साथ में रखेंगे और इन दोनों के अंदर से हमने डबल क्रोशे से बुनना है, एक दो तीन चार, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने ये दो आपको बता दिए थे और एक दो तीन मैंने खुद बना लिए, देखिए रिपीट कर लिए। अब देखिए अब हम इसे पलटेंगे और अब हम फ्रेंड्स देखिए इस ग्रीन वाले से बुनेंगे, ये जो हमारा ग्रीन है इससे बुनेंगे हम, तो ये देखिए यहाँ से बुनेंगे, इसे छोड़ दीजिए। अब आपने ग्रीन बुनना है, तो देखिए पहले चार चैन बुन लीजिए, एक दो तीन चार, एक बल लीजिए और ये देखिए ये जो जाली है ग्रीन वाली, इसके बीच में से ये देखिए ये जो है ये
इसके अंदर से बुनना है। एक दो तीन, फिर एक दो चैन का गैप, फिर इसके अंदर तीन बार बुनेंगे। तो एक दो तीन, फिर एक दो चैन का गैप, फिर एक बार लेंगे, फिर इस वाली जाली में बुनेंगे। फ्रेंड्स ये देखने में तो इतना हार्ड लगता है लेकिन ये बनाना बहुत आसान है। सिर्फ टू ही रो का डिज़ाइन है ये, और आपने सिर्फ टू रो रिपीट करनी और आपका बहुत प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये देखिए एक दो, मैं थोड़ा सा बड़ा करके रिपीट करके बता रही हूँ कि इसकी थोड़ी सी आपको लुक नज़र आए और आप इसे ईजिली बना लें, कहीं कन्फ्यूज ना हो। दो एक दो, ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए इस तरह से। एक और दो, देखिए इसके अंदर आने के बाद आपने ये देखिए एक दो और यहाँ, इस तरह से। और अब देखिए फ्रेंड्स अब क्या करना है आपने, यहाँ से ये भी हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए आपने यहाँ से इस तरह से आपने इसको, पहले तो आप इसे ज्वाइंट कर लीजिए इस तरह, और इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद एक दो तीन चार, और फिर आपने देखिए क्या करना है, ये दो जो जालियां एक साथ हैं बस इनके अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है। एक दो तीन चार, एक दो फिर इसमें बुनना है, एक दो तीन चार, एक दो एक दो तीन चार, एक दो एक दो तीन चार, एक दो, और इसके बाद यहाँ इस तरह से। बस आपने फ्रेंड्स देखिए टू ही रो रिपीट करने और आपका कितना प्यारा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने दो रो और रिपीट कर ली ताकि आपको इसकी लुक दिखा सकूं, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए सिर्फ टू ही रो का डिजाइन है फ्रेंड्स ये, और ये देखने में कितना प्यारा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।